नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई सी एंड के वी कॉम्पिटिशन क्लासेज में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। आपके लिए भी बेनिफिट है कि आप वीडियो से बहुत अच्छे स्कोर कवर कर सकते हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और कुछ नए स्टूडेंट्स भी हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, लेसन नंबर अपना चल रहा है थर्ड, मांग की अवधारणा। और आज इसका हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं लेसन नंबर 33 से, लास्ट वीडियो आपके लिए, मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, और मांग के नियम के अपवाद आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैंने पांच यहां पर मांग के नियम के अपवाद लिखे हैं। फर्स्ट है गिफिन का विरोधाभास, सेकंड है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएँ, थर्ड है उपभोक्ता की अज्ञानता, फोर्थ है भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, एंड नेक्स्ट है सट्टा स्पेकुलेशन। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से बेल आइकन क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी जिनको हमारे चैनल की जानकारी नहीं है उन दोस्तों तक भी हमारा जो चैनल है शेयर करें, हमारे वीडियो शेयर करें। तो आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करवा देता हूँ पहले वाला टॉपिक जहाँ आपने पढ़ा था मांग का नियम, क्योंकि यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं मांग के नियम के अपवाद। तो लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या था? इतना सा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घटती है, एक बात ये हो गई। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुई? जब प्राइस घटती है और क्वांटिटी बढ़ती है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड था। मांग का नियम अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु के मूल्य और मात्रा के बीच नकारात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यदि ये नियम है तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? अपवाद की। और इन दोनों नियमों को यहां पैराग्राफ को देखने से, बॉक्स को देखने से हमें समझ में आता है, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज। तो इन नियम में प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। ठीक है, नियम से पढ़ रहे हैं अपवाद जो कि जस्ट अपोजिट है, विलोम है। ठीक है, तो यहां प्राइस और क्वांटिटी में यदि नेगेटिव रिलेशन है तो अपवाद स्वरूप, विलोम शब्द के हिसाब से नियम का जब अपवाद में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का ये हो जाएगा पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव रिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होगा कि जब प्राइस भी इंक्रीज हो और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, ये अपवाद हो गया। और सेकंड में हो जाएगा प्राइस भी डिक्रीज होगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। तो आपका जो अपवाद है वो किसका रिवर्स है? नियम का, लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल जस्ट उल्टा अपोजिट है आपका मांग के नियम के अपवाद। तो नियम में प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है, अपवाद में प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन वन बाय वन। आज सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफिन। और इन्होंने ये कब प्रतिपादित किया? 19वीं शताब्दी में। गिफिन का विरोधाभास कब दिया? 19वीं शताब्दी में। तो गिफिन का विरोधाभास 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफिन द्वारा दिया गया। अब गिफिन के विरोधाभास की बात करें तो यह इंपॉर्टेंट है कि ये जो गिफिन का विरोधाभास है ये सर रॉबर्ट गिफिन, गिफिन के नाम पर आधारित है। और गिफिन से मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट अपन क्लियर कर रहे हैं, गिफिन का मतलब है निकृष्ट, निम्न स्तरीय। क्या है? निकृष्ट, निम्न स्तरीय। ठीक है, ये निकृष्ट का मतलब है। यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात बहुत छोटी सी है। गिफिन ने सिर्फ इतना सा कहा है कि जब घटिया किस्म के वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है, घटिया किस्म की जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता मूल्य में कमी के परिणाम स्वरूप घटिया किस्म की वस्तुओं की मांग को नहीं बढ़ाता है, बल्कि क्या करता है? मूल्य में कमी के परिणाम स्वरूप उनको जो बचत होती है उस बचत का उपयोग दूसरी श्रेष्ठ वस्तु के ऊपर करता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, मान लेते हैं एक निम्न किस्म की वस्तु है, घटिया किस्म की वस्तु अपन बात कर रहे हैं, डालडा घी। और डालडा घी हमारा यहां पर 40 रुपए किलो, और अभी अपन उसकी कितनी क्वांटिटी करते हैं?
ये है प्राइस और इसकी अपन 4 किलो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल पे कितना कर रहे हैं, 160 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 40 रुपये प्राइस है, 40 रुपये पर केजी, 4 किलो काम में ले रहे हैं, टोटल क्वांटिटी है 4 किलो, तो टोटल पे आउट कितना कर रहे हैं, 160 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि डालडा घी की कीमत घटकर कितनी रह जाए, 20, अब 160 रुपये में वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता है, 8 160। यदि ऐसा हो तब तो क्या हो जाएगा, मांग का नियम, मूल्य घटने पर मांग मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब मूल्य घट जाता है तब भी उपभोक्ता निम्न या घटिया किस्म की वस्तु पर पहले जितना ही उपभोग करता है तो अधिक मात्रा का उपभोग करता है, लेकिन वो क्या करेगा, पहले जितनी ही मात्रा उपयोग करेगा। तो ये कितने में कर सकता है, 80 रुपये में। अब पहले भी वो 4 किलो क्वांटिटी कंज्यूम करने पर 160 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन अब 4 किलो क्वांटिटी कंज्यूम करने पर केवल और केवल 80 रुपये खर्च कर रहा है, और उसे पूर्व की तुलना में कितने रुपए की बचत हो रही है, 80 रुपये की बचत हो रही है। क्या हो रही है, 80 रुपये की बचत हो रही है। तो 80 रुपये की बचत हो रही है किसके कारण, मूल्य में कमी के कारण, क्योंकि यहां पर मूल्य 40 की तुलना में घटकर कितना रह गया, 20। अब दोस्तों ये मांग के नियम का अपवाद कैसे हुआ, अपवाद इसलिए हुआ क्योंकि मूल्य घटने पर भी पहले जितनी ही मात्रा का उपयोग करना मांग में कमी कहलाती है। यह आपने पहले वाले वीडियोस में टॉपिक पढ़ा है, चेंज इन डिमांड में मांग में कमी। तो मूल्य घटने पर भी पहले जितनी ही मात्रा का उपभोग करना मांग में कमी कहलाती है, क्योंकि मूल्य घटने पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करनी चाहिए थी, 8 किलो कंज्यूम करनी चाहिए थी, जो कि हम नहीं कर रहे। तो 8 किलो करनी चाहिए थी जबकि कर कितनी रहे, 4 किलो। तो 4 किलो की कमी है या नहीं है, है। तो इसको हम कहेंगे मूल्य में भी कमी और मात्रा में भी कमी। तो कौन सा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। हाँ, उपभोक्ता इसकी ये जो अवास्तविक रूप से आय में जो वृद्धि हुई है इसको आप बचत कह सकते हैं। इस बचत का उपयोग कहाँ करता है, श्रेष्ठ वस्तु के उपभोग पर करता है। एज लाइक एग्जाम्पल, हम ये मान लें कि डालडा 40 रुपये किलो है और देसी घी कितने रुपए किलो है, 80 रुपए किलो है। तो पहले उपभोक्ता देसी घी का उपयोग नहीं करता था, केवल 40 रुपए किलो पर केजी की दर पर 4 किलो डालडा घी का उपयोग करता था। अब डालडा घी सस्ता हो गया है, तब भी वो पहले जितनी ही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और पहले की तुलना में कम रुपए खर्च कर रहा है। 80 रुपए की जो यह बचत है, इसका उपयोग अब उपभोक्ता श्रेष्ठ वस्तु के उपभोग पर करेगा। तो ये जो गिफिन है, गिफिन केवल घटिया किस्म की वस्तु है, निम्न स्तरीय वस्तु है। तो हम बात करेंगे केवल डालडा घी की, और डालडा घी से हमें यहाँ रिजल्ट देखने को मिलता है कि कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि नहीं होती, अपितु यदि आप चेंज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो मूल्य घटने पर मांग मात्रा भी घट रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग के नियम का अपवाद कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्लियर किया है गिफिन ने, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट गिफिन का विरोधाभास, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं सर रॉबर्ट गिफिन, इनका पूरा नाम है सर रॉबर्ट गिफिन, इन्होंने 19वीं शताब्दी में गिफिन के विरोधाभास को प्रतिपादित किया है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट अपना प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, क्या है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या है, शायद श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में मैंने पहले कुछ बात कही थी, ऐसी वस्तुएं जो समाज में क्या करती है, हमारी जीवन शैली को, हमारे जीवन स्तर को ऊंचा प्रदर्शित करती है। यहां पर भी बात कुछ ऐसी है कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखती है, हमारी प्रतिष्ठा को दर्शाती है, और प्रतिष्ठा हमेशा ऊंची होती है, यानी ऊंची प्रतिष्ठा को दर्शाती है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं होंगी, लाइक एक एग्जांपल, यदि मैंने जो रिंग पहनी हुई है, यदि मैंने लोहे की रिंग पहनी हुई होगी तो लोग बाग मुझे देख के क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन यही रिंग यदि मैंने सिल्वर की, चांदी की पहनी होगी तो थोड़ा मुझे और अच्छा कहेंगे। यही यदि रिंग मैंने गोल्ड की पहनी होगी तो मुझे और अच्छा कहेंगे कि हाँ यार, इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात बहुमूल्य वस्तुएं,
जैसे आज हम बात करें कार की, तो कार के स्टैंडर्ड भी बहुत सारे हैं। तो लग्जरी जो कार है वो किस में आएगी? प्रतिष्ठा सूचक में आएगी। कौन सी? लग्जरी जो कार है, या फिर अपन कहें हाई वैल्यूज, जिसकी बहुत अच्छा मूल्य है, 40-45 लाख की कार होगी, तो वो किस में आएगी? प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में आएगी। यदि मैंने गले में सोने की 2-4 चेन पहनी हो, पूरी उंगलियों में मेरे गोल्ड की रिंग हो, डायमंड रिंग हो, ठीक है, डायमंड का नेकलेस है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में आएंगी। और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में क्या होता है? सिंपल सी बात है, अपन ने कहा अपवाद क्या है? मूल्य बढ़ने पर मांग मात्रा का बढ़ना। तो जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, सिंपल सी बात है कि कम मूल्य में परचेज नहीं हो सकती, अधिक मूल्य पर, ऊंचे मूल्य पर परचेज होती है और अधिक मात्रा में परचेज होती है। तो जो धनी वर्ग है, प्रायः प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की मांग मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा या निम्न आय के परिवारों द्वारा नहीं की जाती, उच्च आय वर्ग के द्वारा ही की जाती है। अमीर लोगों द्वारा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का क्रय किया जाता है, और वो जितनी अधिक कीमती वस्तु होती है उसको अधिक, उतनी ही अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसा कि सोना, इट मीन्स गोल्ड, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य वस्तुएं एवं धातुएं, बहुमूल्य वस्तुएं व धातुएं, ये सब किस में आती है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में आती है। जैसे कि कुछ स्टोन्स है जिनका नाम आपने सुना होगा, नीलम है, पन्ना है, हीरे हैं, मोती हैं, हैं बहुत सारे स्टोन्स हैं, ये सब बहुमूल्य वस्तुओं और धातुओं में आते हैं। तो ऐसी जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, ऊंचे मूल्य पर उनकी अधिक मांग की जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। यदि शर्मा जी अपनी मिसेज को किसी ज्वेलरी शॉप पर ले जाएं, तो फिर शर्मा जी की मिसेज को 10,000 की रिंग दिखाओ, फिर 20,000 वाली रिंग दिखाओ, और फिर 30,000 रुपये वाली रिंग दिखाओ, तो शर्मा जी की मिसेज को कौन सी रिंग पसंद आने वाली है? जो सबसे अधिक मूल्य की है। ठीक है, तो ये है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट है आपका उपभोक्ता की अज्ञानता। जब हमें किसी भी वस्तु विशेष के बारे में पूर्ण एवं उचित जानकारी नहीं होती, तो उपभोक्ता अज्ञानता के कारण भी वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। और प्रायः अज्ञानता के कारण उपभोक्ता क्या करता है? महंगी वस्तुओं को अच्छी समझता है। यह है उपभोक्ता की अज्ञानता। यह भी मांग का नियम का अपवाद है। यह चीज़ हमारे साथ प्रायः मार्केट में देखने को मिलती है। जब हम क्लॉथ परचेज करने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तब हम शॉपकीपर से नॉर्मल वे में कह देते हैं कि हमें एक शर्ट चाहिए, और वो हमें शर्ट दिखा देता है, बोलता है सर ये 250 रुपये की शर्ट, तो वो शर्ट हमें पसंद नहीं आती है, वो उसको वापस रख देता है। हम कहते हैं कि कोई और अच्छी सी दिखाइए, फिर वापस वो पुनः वापस 250 रुपये वाली शर्ट निकालता है और उसको कहता है कि सर ये 500 रुपये की है, तो हमें लगता है कि हाँ यार ये अच्छी वस्तु है, और हम उसको क्या कर लेते हैं? परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता की अज्ञानता, हम कपड़े विशेष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमें उस उत्पाद की पूर्ण एवं उचित जानकारी नहीं होती है, हम उस विषय से अज्ञान हैं, लेकिन फिर भी हम केवल और केवल एक अच्छा मूल्य बताने से, ऊंचा मूल्य बताने से, अधिक मूल्य बताने से उस वस्तु को महत्वपूर्ण और कीमती और अच्छी समझने लगते हैं, और उस वस्तु का बढ़ी हुई कीमत पर क्या कर लेते हैं? उपभोग कर लेते हैं, क्रय कर लेते हैं। तो हम ऊंची कीमतों पर वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ये उपभोक्ता की अज्ञानता होती है। ये एक हमारे एजुकेशन फील्ड में भी है कि प्रायः बच्चा 12th पास करता है तो उसे उसके फ्यूचर की जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अज्ञानता के कारण जब हमें उसका पूर्ण विस्तृत विवरण की हमें कोई जानकारी नहीं होती, तो प्रायः बच्चे क्या करते हैं कि मेरा जो फ्रेंड कर रहा है, मेरा जो दोस्त कर रहा है, वही मुझे करना है। तो दोस्त की एबिलिटी है कि वो साइंस मैथ ले सकता है, 10th पास आउट स्टूडेंट देखता है कि मेरा जो दोस्त सब्जेक्ट लेगा वही मैं लूँगा, तो दोस्त की एबिलिटी है, योग्यता है, फैमिली सपोर्ट है कि वो साइंस ले सकता है, लेकिन आपका फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपकी एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? दोस्त के पीछे 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 उसी सब्जेक्ट को ले लेते हैं जो दोस्त लेता है। तो अज्ञानता के कारण जबकि आपको पता नहीं है कि उसमें आपका ब्राइट फ्यूचर है या नहीं है, आपकी फैमिली लास्ट मोमेंट तक आपको सपोर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये चीज़ें हैं जो उपभोक्ता अज्ञानता के कारण
मांग के नियम के अपवाद में देखी जाती है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, केवल और केवल कीमती वस्तुओं को अच्छी समझते हैं और उपभोग कर लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, एजुकेशन से लिख सकते हैं, जैसे बीटेक है, कई बच्चे अज्ञानता के कारण कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता। हायर एजुकेशन है, ठीक है, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, ठीक है। आगे देखिए, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। तो अब अपन फोर्थ पॉइंट है डिस्कस कर रहे हैं, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। यदि किसी भी वस्तु के भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका पेट्रोल। यदि मान लीजिए कि आज पेट्रोल की कीमत 75 रुपये पर लीटर प्रेजेंट में क्या है, 75 रुपीस पर लीटर, और यदि हमें जानकारी मिले कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये पर लीटर की दर से लागू होने वाली है, तो मांग का नियम तो कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन आप खुद ऑब्जर्वेशन करके बताइए कि भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, जब ऐसा होता है कि दिन में हमें पता है कि 75 रुपये पर लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहा है और आज रात 12 बजे से 80 रुपये पर लीटर की दर से मिलेगा, तो क्या आप पेट्रोल की मांग को बढ़ा देते हैं या नहीं बढ़ा देते? बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में उस वस्तु का मूल्य और बढ़ने वाला है और उससे होने वाली क्षति से बचने के लिए आप वर्तमान कीमतों पर वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। जबकि वस्तु की मांग कब बढ़नी चाहिए? मूल्य में कमी होने पर बढ़नी चाहिए। लेकिन मूल्य में कमी हुए बिना ही हम वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं, यही मांग के नियम का अपवाद है, ठीक है। पेट्रोल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं पेट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है सट्टा स्पेकुलेशन। यहां पर भी आप इसे शेयर मार्केट से समझ सकते हैं, एग्जांपल है शेयर मार्केट। बस अपवाद पढ़ते समय थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम को याद रखें कि मांग के नियम में क्या होता है, मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी होती है और मूल्य घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। स्पेकुलेशन शेयर मार्केट में कैसे देखने को मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि प्रेजेंट में कोई शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, और घटकर कितने का रह गया, 90 का, फिर घटकर कितने का रह गया, 80 रुपए का, फिर घटकर कितने का रह गया, 70 रुपए का। तो जब इसके मूल्य में कमी आ रही है तो क्या होना चाहिए, इसकी मांग मात्रा बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि जिसके पास ये शेयर हैं वो इनका क्या करने वाला है। यदि शेयर 100 से 90, 90 से 80 और 80 से 100 रुपए में, बात करता हूं कि यदि इसने 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10 शेयर खरीदे हैं तो टोटल अमाउंट कितने का है, 1000 रुपए के शेयर है। अब इसके शेयर कितने रुपए के रह गए, यहां पर 900 रुपए के, यहां पर 800 रुपए के और यहां पर 700 रुपए के। तो मूल्य घटने पर शेयर होल्डर को और शेयर परचेज करने चाहिए, लेकिन नहीं, वो कंटिन्यू फॉर्म में क्या देख रहा है कि शेयर की वैल्यू कम होती जा रही है, और शेयर की वैल्यू कम होती जा रही है तो आगे भी वो क्या एस्टिमेट कर रहा है कि अंश का मूल्य और गिरने वाला है। तो अभी प्रेजेंट में उसके शेयर की वैल्यू कितनी है, 700 रुपए, उसने कितने में परचेज किए हैं, 1000 रुपए में, और यदि आज वो इस कंडीशन में 700 रुपए में बेच देता है तो लॉस कितने का है, 300 रुपए का। और मैं कह रहा हूं कि जब अंश का मूल्य घटता है तो उसको शेयर परचेज करने चाहिए, लेकिन नहीं, वो बेच देता है। क्यों बेच देता है, क्योंकि वो आगे क्या आशा रखता है कि यदि 100 से घटकर 90, 90 से घटकर 80, 80 से घटकर 70 हो गया तो अंश का मूल्य भविष्य में और गिरने वाला है, जैसे कि 60, जैसे कि 50 और जैसे कि 40। अब सपोज करो कि यदि वो अंश का मूल्य घटकर 40 हो जाता है तो यहां उसके अंश की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 400 रुपए की। 1000 रुपए में खरीदे थे और अब 400 रुपए, नुकसान कितने का है, 600 रुपए का। इसलिए शेयर होल्डर क्या सोचता है कि यदि यहां बेच देता हूं तो नुकसान कितने का है, 300 रुपए का, यहां बेचूंगा तो नुकसान कितने का है, 600 रुपए का।
तो यदि वो 700 रुपये वैल्यू पर बेच देता है, किसकी तुलना में, 600 रुपये वैल्यू की तुलना में, तो उसको कितने रुपये का प्रॉफिट होता है? यहाँ 300 का लॉस है, यहाँ 600 का लॉस है, तो ये 300 रुपये के लॉस का बेनिफिट होता है, उसको 300 रुपये की जो एक्स्ट्रा हानि होने वाली है वो बच जाएगी। तो जैसे ही अंश का मूल्य धीरे 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 गिरने लगता है, शेयर होल्डर अपने अंशों को बेच देता है, खरीदने के बदले बेच देता है। ये क्या है? मांग के नियम का अपवाद। ऐसे इसकी विपरीत स्थिति में जब अंश का मूल्य निरंतर बढ़ने लगता है तो शेयर होल्डर ये आशा रखता है कि भविष्य में इसका मूल्य और बढ़ेगा और वो अंशों की खरीद कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा युद्ध एवं आपातकाल की स्थिति। यह है युद्ध एवं आपातकाल की स्थिति। युद्ध और आपातकाल की स्थिति में वैसे तो ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है। ये जो आपातकाल है ये किसी भी वजह से हो सकता है, बाढ़, भूकंप, महामारी, जैसा कि वर्तमान समय में आपको कोरोना इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो युद्ध और आपातकाल की स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रायः युद्ध और आपातकाल की स्थिति में बाजार बंद हो जाते हैं और वस्तुओं की उपलब्धता कम हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता अधिक मूल्य पर भी वस्तुओं का क्रय करता है, बल्कि सामान्य उपभोग मात्रा से अधिक मात्रा में उपभोग करता है। आजकल का इफेक्ट देखें, जैसे कि मादक पदार्थों के सेवन पर देखने को मिल रहा है कि जहां मादक पदार्थ यदि कोई पैकेट 100 रुपये का है तो वो कितने का मिल रहा है, 200 रुपये का मिल रहा है, 300 रुपये का मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और यदि मैं कहूं कि एक पैकेट कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का, और सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति इसका एक माह में एक पैकेट खरीदता है, एक पैकेट 100 रुपये में सामान्य स्थिति में एक माह में एक पैकेट, लेकिन जैसा कि अभी चल रहा है तो पहली बात क्या हो रहा है कि एक पैकेट 100 रुपये में ना मिलकर कितने में मिल रहा है, 300 रुपये में। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या कर रहा है, उसको एक महीने का एक पैकेट चाहिए, लेकिन वो एक महीने के लिए कितने पैकेट खरीद रहा है, 3 पैकेट खरीद रहा है। तो ये क्या है, मांग के नियम का अपवाद, कि युद्ध आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, हम बढ़े हुए मूल्य पर भी अधिक मात्रा का उपभोग करते हैं, यही मांग के नियम का अपवाद है। और एक लास्ट पॉइंट है, अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसा कि अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तु। तो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं में क्या क्या आता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, ये चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, प्रायः इनके संबंध में भी अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं। और इनके संबंध में देखने को मिलता है कि मूल्य बढ़ जाने पर भी हम ऐसी वस्तुओं की मांग में कोई कमी नहीं करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, ये अनिवार्य आवश्यकता की, प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जिन्हें हम मूल्य वृद्धि के साथ में भी आवश्यकता अनुसार ही खरीदते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, मांग के नियम के अपवाद। इसी के साथ में आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, लेसन कंप्लीट होता है मांग का। यदि फिर भी आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए सक्सेस पॉइंट है, बहुत अच्छा चांस है कि अभी आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं। थैंक यू।